हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कंसाइज फिजिक्स आईसीएसई क्लास 9 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जिसमें हम चैप्टर 4 प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्सरसाइज 4B सॉल्व करेंगे आज। और 4A मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर, और प्रीवियस चैप्टर के भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। टू चेक दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैंने बाकी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहां पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कन्वर्ट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इनटू पास्कल। डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 इनटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, एंड g की वैल्यू हमको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज वी नो mm ऑफ Hg इज द यूनिट फॉर प्रेशर, और प्रेशर का मैं फॉर्मूला पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज h रो g, वेर h इज द हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हाइट की वैल्यू हमको गिवन है 1 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू मीटर। तो 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। सो ये 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर्स में आ गया है। डेंसिटी हमको गिवन है, दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। वी रीड दिस एज अ रो, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वील सब्सटीट्यूट इन दिस फॉर्मूला, p इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8। सो 10 टू द पावर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, वील हैव 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट द वैल्यू एज 133.28 पास्कल। पास्कल को हम कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द प्रेशर इन पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। एट अ गिवन प्लेस अ मर्करी बैरोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ 0.70 मीटर्स ऑफ Hg, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ मर्करी इन बैरोमीटर इज रिप्लेस बाय वाटर। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज h रो g, और हम पहले सॉल्व करेंगे अगर मर्करी बैरोमीटर है तो कितना उसमें प्रेशर होगा। तो हमारे पास डेंसिटी मर्करी के लिए है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज फॉर मर्करी। एंड वी हैव g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट हमको गिवन है फॉर Hg एज 0.7 मीटर्स। तो इससे हम प्रेशर फाइंड कर देंगे, प्रेशर होता है h रो g, हाइट इज 0.7, रो इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड g इज 9.8। ओके, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं है तो इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दें, दिस इज फॉर Hg। अब हम निकालेंगे वाटर के लिए, तो जो प्रेशर Hg का होगा मर्करी का, वही प्रेशर हम वाटर का ले लेंगे एज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सो प्रेशर ऑन वाटर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन मर्करी, ओके, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेशर फॉर वाटर के लिए हमारे पास जो प्रेशर Hg का होगा वही यहां हम ले लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 0.7 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8। अब हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए हमको हाइट निकालनी है, हाइट, तो हाइट के लिए हम Hw ले लेते हैं वाटर के लिए, और ये हमारा Hg के लिए है, ठीक है। और डेंसिटी होती है वाटर की 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और g की वैल्यू है 9.8। ओके, तो यहां से हमने ये कैंसिल कर दिया, 10 टू द पावर 3 कैंसिल कर दिया। सो हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.7 इंटू 13.6, जिसको हम सॉल्व करेंगे वील गेट दी वैल्यू एज 9.52 मीटर्स। सो दिस इज दी हाइट ऑफ दी वाटर कॉलम इफ मर्करी इज बीन रिप्लेस बाय वाटर।
क्वेश्चन नंबर 3, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी पर 120 मीटर ऑफ एसेंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल वेयर द बैरोमीटर रीड 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। स्टेट द अजम्पशंस मेड बाय यू। तो यहां पर आपका जो सी लेवल गिवन है दैट इज 76 सेंटीमीटर, और जब इतनी हाइट वो चढ़ जाता है मतलब हिल के ऊपर, तो बैरोमीटर में चेंज 70 सेंटीमीटर का आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। नाउ द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू, जो हमारा 76 था वो 70 हो जाता है, तो 76 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो चेंज हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, इतना इसमें चेंज हो जाता है। अब हमको गिवन है 10 मिलीमीटर पे 120 मीटर ऑफ एसेंट, मतलब इतनी उसकी हाइट बढ़ जाती है पर 10 मिलीमीटर में। 10 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। एज वी नो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो वी कैन राइट फॉर 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कितना उसमें राइज होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए 120 मीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए 6 इंटू 120 मीटर, मतलब 720 मीटर्स ऑफ एसेंट वुड बी हेल्ड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू 720 मीटर्स। और इसमें जो assumptions बनाने हैं, assumptions made that atmospheric pressure fall linearly in the, जो भी ascent हो रहा है वो linearly हो रहा है। okay, so that is going to be your say assumptions। question number 4, at sea level the atmospheric pressure is 1.04 into 10 to the power 5 Pascal, assuming G is equal to 10 meter per second square and the density of air to be uniform and equal to 1.3 kg per meter cube, find the height of the atmosphere। तो यहां पर आपको प्रेशर गिवन है 1.04 into 10 to the power 5 Pascal, G की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी नो द डेंसिटी रो दैट इज 1.3 केजी पर मीटर क्यूब। एज वी नो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, हाइट हमको फाइंड करनी है। सो यहां से हम हाइट के लिए लिख सकते हैं प्रेशर अपॉन रो इंटू जी। प्रेशर इज 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, डेंसिटी इज गिवन 1.3 इंटू 10 टू द पावर, और यहां पर हमारे पास जी आ गया है 10। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 8000 मीटर्स। ओके, सो हाइट विल बी 8000 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.295 केजी पर मीटर क्यूब, फाइंड द फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन मिलीमीटर ऑफ एचजी एट अ डेंसिटी ऑफ 107 मीटर अबव द सी लेवल। टेक द डेंसिटी ऑफ मर्करी बी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पर आपको डेंसिटी फॉर एयर गिवन है 1.295 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी फॉर मर्करी गिवन है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एंड वी नो द हाइट अबव द सी लेवल, मतलब हमारे पास हाइट ऑफ द एयर गिवन है 107 मीटर। हाइट इन द मर्करी कॉलम हमको फाइंड करना है एच। ओके, सो प्रेशर डिक्रीज, मतलब प्रेशर इन एयर जो डिक्रीज होगा दैट विल बी प्रेशर इन द एमएम ऑफ एचजी, जो हमारे पास उसमें आएगा बैरोमीटर में।
फॉर मरकरी। तो एयर के लिए प्रेशर होता है एच रो जी, और यहां पर भी एच रो जी आ जाएगा। यहां पर एयर की डेंसिटी लिखेंगे, यहां पर एच जी की, जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हाइट इन एयर इज 107 मीटर्स, डेंसिटी इज 1.295, और यहां पर हमको हाइट कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज 13.6 इंटू 10^3। अब यहां से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 107 इंटू 1.295 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 10^3। ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस एज 0.0101 मीटर ऑफ एच जी। ये हमारे पास मीटर में हाइट आई है, ओके। एंड वील कन्वर्ट दिस मीटर इंटू मिलीमीटर, सो वील मल्टीप्लाई दिस टर्म एज 0.0101 मीटर ऑफ एच जी को हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, सो वील गेट इन मिलीमीटर। सो दिस विल बी 10.1 मिलीमीटर ऑफ एच जी, दैट इज द फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट, दैट इज इन एमएम ऑफ एच जी आपको फाइंड करना था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर दिया। हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस, एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।